नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। ये शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है भारत। गांधीनगर में आयोजित 13वें COP सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। कहा, समुद्री कक्षों के संरक्षण और समुद्री स्थायी प्रबंधन नीति की जल्द होगी शुरुआत। औद्योगिक संस्कृति में नैतिकता को बढ़ावा देने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का जोर। जमशेदपुर शहर के शताब्दी वर्ष समारोह में सार्वजनिक निजी भागीदारी को बताया अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल। कृषि को लाभकारी बनाने के लिए निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील। सेना में महिलाओं को मिलेगा कमांड पोस्ट और स्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश। विकल्प चुनने वाली अधिकारियों के लिए 3 महीने में हो स्थायी कमीशन का गठन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया फैसले का स्वागत। निर्भया के गुनाहगारों को फांसी के लिए नई तारीख मुकर्रर। चारों दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे दी जाएगी फांसी। पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया नया डेथ वारंट। वुहान से लौटे सभी 658 लोगों को संक्रमण ना होने पर मिली छुट्टी। मानेसर में भारतीय सेना की देखरेख में सभी भारतीय। जापान तट पर खड़े जहाज में मौजूद 2 और भारतीयों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि। बीजिंग को चिकित्सा सामग्री की खेप भेजेगा भारत। वित्त मंत्रालय ने कोरोना वायरस के असर का आकलन के लिए मंगलवार को बुलाई बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के सम्मेलन COP13 का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि, जाने माने पर्यावरण संरक्षक और वन्य जीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। COP13 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत पेरिस समझौते का लक्ष्य पाने के लिए लगातार काम कर रहा है। पेरिस समझौता मुख्य रूप से वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वन्य जीवन और पर्यावरण का संरक्षण भारत की संस्कृति में शामिल है और हम सह अस्तित्व को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जलवायु संरक्षण, टिकाऊ जीवन शैली और हरित विकास मॉडल के आधार पर जलवायु अभियान का नेतृत्व कर रहा है। इंडिया हैज बीन चैंपियनिंग क्लाइमेट एक्शन बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल एंड ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल। द रेंज ऑफ अवर इनिशिएटिव्स include ambitious target of 450 megawatt in renewable energy, push towards electric vehicles, smart cities, conservation of water। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत ने मध्य एशिया हवाई मार्ग में प्रवासी पक्षियों को सुरक्षित रखने संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास पर भी जोर दिया। With a view to conserve the birds along the Central Asian Flyway and their habitats, India has prepared a national action plan for conservation of migratory birds along the Central Asian Flyway. India by 2020 will be launching its marine turtle policy and marine standing management policy।
गांधीनगर में 22 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन में 130 देशों के प्रतिनिधि, जाने माने पर्यावरण संरक्षक और वन्यजीव संरक्षण के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान देश के रूप में अगले 3 वर्षों तक भारत इस सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने जमशेदपुर के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सबसे अच्छे मॉडलों में से एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। उन्होंने उद्योग जगत से चुनौतियों का सामना करने के लिए नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सोमवार को जमशेदपुर में शहर के शताब्दी वर्ष समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी सबसे अच्छे मॉडलों में से एक है। उन्होंने देश में आर्थिक सुधारों का जिक्र करते हुए उद्योग में नैतिकता पर जोर दिया। I feel public-private partnership is one of the best models for development in a developing economy like India. In my view, it is the best way forward to develop infrastructure and other projects that give fillip to economic growth. I'm sure the PPP models would lead to improved efficiency and faster delivery of services. उपराष्ट्रपति ने कृषि को लाभप्रद बनाने के लिए निजी क्षेत्रों को जरूरी कदम उठाने की बात कही। कृषि, कृषक और संबंधित व्यवसायों से जुड़ा है। आज जरूरी है कि हम कृषि को एक लाभप्रद और स्थायी व्यवसाय बनाने के लिए समन्वित प्रयास करें। सरकार तो अपना दायित्व निभा रही है, अब समय आ गया है कि निजी क्षेत्र भी इस दिशा में अपनी भूमिका का निर्वहन करे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत के प्रति सहिष्णुता और स्वीकार्यता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आतंक और हिंसा से बाहर निकलकर समग्र विकास की ओर आगे बढ़ना होगा, तभी हम 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। Disagree with the Prime Minister, disagree with the Chief Minister, disagree with your Minister, MP, with your management, but discuss and decide. That is the beauty of democracy. You can't have change otherwise. Violence has no place in democracy. Ballot is more powerful than bullet. It can bring, make and unmake chief ministers and ministers. जमशेदपुर के शताब्दी वर्ष के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने विशेष डाक टिकट का अनावरण किया, साथ ही जमशेदपुर के 100 साल पूरा होने पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज दमन में आयोजित समारोह में दादर और नागर हवेली और दमन और दीव में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ये परियोजनाएं केंद्र शासित प्रदेशों के विकास को नई ऊर्जा और गति प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति ने कहा कि दादर व नागर हवेली और दमन और दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादर और नागर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता और सफाई पर बहुत बल देते थे। वे ये मानते थे कि स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना बहुत जरूरी। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव के सभी जिलों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका। वर्ष 2019 में स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण के अंतर्गत दमन व दीव क्षेत्र को पहला और दादरा व नगर हवेली को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। इन सभी उपलब्धियों को हासिल करने का श्रेय प्रशासन के साथ साथ आप सबको भी जाता है और मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि सशस्त्र बलों को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए 2 से 5 थिएटर कमान का गठन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अलग थिएटर कमान बनाया जाएगा। इसके अलावा वायु रक्षा कमान, पेनिसुलर कमान, प्रशिक्षण कमान और लॉजिस्टिक्स कमान बनाई जाएगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सोमवार को पत्रकारों के एक समूह से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने रक्षा तैयारियों और सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बातचीत की।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बताया कि जम्मू कश्मीर में एक अलग थिएटर कमान होगा। इसका आकार और प्रकार बाद में तय किया जाएगा। भारतीय वायु रक्षा कमान के अधीन वायु सेना आएगी। इस कमांड में लंबी दूरी की सभी मिसाइलें और वायु रक्षा से जुड़ी संपत्ति शामिल होंगी, जो अगले साल के शुरू में काम करने लगेगी। CDS ने बताया कि नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी कमान का विलय प्रायद्वीपीय कमान में किया जाएगा, जो साल 2021 के आखिर तक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा भारत के पास अलग प्रशिक्षण और सैद्धांतिक कमांड के साथ लॉजिस्टिक्स कमांड भी होगी। CDS जनरल बिपिन रावत ने 114 लड़ाकू विमानों समेत बड़े सौदों की क्रमबद्ध तरीके से खरीदारी की नीति का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत के प्रदर्शन के आकलन के बाद नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक पोत की मांग पर गौर किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की नियुक्ति के बाद अब सेना के तीनों अंगों में बड़े बदलावों की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। और जैसा कि बताया गया कि देश की 19 मुख्य कमानों को घटाकर संख्या में 5 या 7 भी किया जा सकता है, जिसमें से जम्मू कश्मीर के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में अलग कमान और साथ ही चीन के लिए अलग कमान होगी। इसका मतलब ये बड़े बदलाव अब विशेष तौर पर सेना और वायुसेना और नौसेना की ज़रूरतों के मुताबिक किए जाएंगे, जिससे कि युद्ध या मुश्किल वक्त में तेज़ कार्रवाई की जा सके। यूनिट के साथ दिल्ली से पंचानन मिश्रा, राज्यसभा TV। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और भारत में तुर्की के राजदूत को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन टिप्पणियों से ये लगता है कि तुर्की के राष्ट्रपति को ना तो इतिहास की जानकारी है और ना ही उन्हें इस बात की समझदारी है कि कूटनीति कैसे की जाती है। उन्होंने पुरानी घटनाओं को अपने संकीर्ण नजरिए से देखने की कोशिश की है। ये भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप है और ये बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। तुर्की प्रकारांतर से पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का कश्मीर पर मध्यस्थता का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि असली मुद्दा पाकिस्तान की ओर से अवैध तरीके से कब्जाए गए क्षेत्र POK को खाली कराने का होना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुटेरेस का ये प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि UN प्रमुख को पाकिस्तान पर इस बात का दबाव डालना चाहिए कि वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे आतंकवाद पर विश्वसनीय कार्रवाई करे। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा TV। प्रगति की राह को इन्होंने बनाया आसान। खेती से लेकर चिकित्सा विज्ञान, हर एक क्षेत्र में नई खोज, नए अनुसंधान, देश के सपनों को दी ऊंची उड़ान। दुनिया भर में भारत को दी नई पहचान। ये हैं देश के श्रेष्ठ संस्थान। शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ राज्यसभा TV पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को दुनिया का सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा का केंद्र बताते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने शिक्षा को लोगों के द्वार तक पहुंचाया है। रमेश पोखरियाल निशंक इग्नू के 33वें दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इग्नू ने शिक्षा सबके द्वार के सपने को संभव कर दिखाया और ये गर्व का विषय है कि विश्वविद्यालय में 35 लाख छात्र नामांकित हैं। रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि दीक्षांत का अर्थ दीक्षा का अंत होता है
लेकिन जीवन ठीक यहीं से शुरू होता है। आप संपूर्ण देश में दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने में ये इग्नू सक्षम है। परंपरागत शिक्षा माध्यमों के जरिए जिन दुर्गम क्षेत्रों तक शिक्षा का प्रकाश नहीं पहुंच पाया, उन स्थानों पर भी ज्ञान की धूप और शिक्षा का प्रकाश दोनों को लेकर के बहुत तेजी से इग्नू भाग रहा है। इग्नू ने शिक्षा को आपके द्वार को स्लोगन नहीं बनाया बल्कि मंत्र बना दिया। समारोह में देश भर के करीब 2,30,573 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करने की घोषणा की गई। वहीं मानव संसाधन मंत्री ने सैकड़ों मेधावी शोध छात्रों को स्वर्ण पदक और डिग्री प्रदान की। 80 बच्चे हैं ना जिनको साल भर में हम लोगों ने PhD को उपाधि दी है। लगभग 300 टीचर्स हैं, तो गुणवत्ता परक हम लोग बहुत ज़्यादा PhD देने के उसमें नहीं है, लेकिन गुणवत्ता परक ठीक से काम हो उस तरह के PhD दें, इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं। डिस्टेंस एजुकेशन में भी जो रिसर्च हो सकती है पेडागॉजी के संबंध में, एडमिशन प्रोसेस के संबंध में, किस तरह से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो पहुँच सके, इस दिशा में भी हम लोग रिसर्च कर रहे हैं। 1985 में अपनी स्थापना के समय से ही इग्नू ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षण के माध्यम से देश में उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इग्नू को जन विश्वविद्यालय के रूप में भी जाना जाता है। शिक्षा आपके द्वार सिर्फ स्लोगन ही नहीं बल्कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का अब पूरी तरह से मंत्र बन चुका है। यही वजह है कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूरी दुनिया में 34 लाख विद्यार्थी शिक्षा हासिल करके अपनी जिंदगी को संवार रहे हैं। कैमरामैन शिवशंकर के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा TV। निर्भया मामले में दोषियों को फांसी देने के लिए दिल्ली की एक अदालत ने आज नया फरमान जारी कर दिया। कोर्ट ने निर्भया के माता पिता और दिल्ली सरकार के इस आशय के आवेदन पर सुनवाई करते हुए ये फरमान जारी किया है। सुनवाई के दौरान दोषी मुकेश ने अदालत में कहा कि वो नहीं चाहता कि न्यायाधीश की तरफ से नियुक्त न्याय मित्र वृंदा ग्रोवर उसके मामले की पैरवी करें। इसके बाद कोर्ट ने दोषी मुकेश की मांग पर अधिवक्ता रवि काजी को उसके मामले की पैरवी के लिए नियुक्त किया। निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में चारों दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को चारों दोषियों को फांसी दिए जाने के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया। सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल प्रशासन की ओर से विशेष अधिवक्ता राजीव मोहन ने अदालत में स्थिति रिपोर्ट जमा कराई। राजीव मोहन ने कहा कि 4 में से 3 दोषियों के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। देखिए, फाइनली आज डेट वारंट जारी हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च का फाइनली वो 3 मार्च को लटक जाए, क्योंकि मैं बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि ये तीसरी बार डेट वारंट जारी हो गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने कहा कि 3 दोषियों अक्षय, विनय और मुकेश की दया याचिका खारिज हो चुकी है, लेकिन दोषी पवन की ओर से दया याचिका और क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल नहीं की गई है। हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से चारों दोषियों के लिए सभी कानून विकल्पों के इस्तेमाल के लिए दी गई 1 हफ्ते की मियाद भी 11 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। सरकारी वकील ने दलील दी कि फिलहाल किसी भी दोषी की तरफ से कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं है, लिहाजा दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी किया जा सकता है। देखिए, आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो 3 मार्च को डेट फिक्स की गई है एग्जीक्यूशन की, मैं पूरी उम्मीद कर सकती हूँ कि ये जो एग्जीक्यूशन की डेट 3 मार्च फिक्स हुई है, ये इन चारों कन्विक्टेड के फांसी के हैंग करने की ये लास्ट डेट होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन का टाइम जो हाईकोर्ट ने दिया था वो टाइम पहले ही इनका लैप्स कर चुका था। इसलिए ये जो डेट है ये फाइनल डेट होनी चाहिए और इनको 3 मार्च को हैंग कर दिया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि दोषियों को अलग अलग फांसी दिए जाने की मांग करने वाली केंद्र की याचिका का लंबित रहना दोषियों को फांसी के लिए निचली अदालत से नई तारीख जारी करने की राह में आड़े नहीं आएगा। विपिन चौहान, राज्यसभा TV। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को आदेश दिया है कि 3 महीने में उन सभी महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया जाए जिन्होंने इसका विकल्प चुना है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक महिला अधिकारियों को कमांड तैनाती दिए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान इस तर्क को खारिज भी किया कि महिलाओं को स्थायी कमीशन या कमांड तैनाती नहीं दिया जाना मनोवैज्ञानिक सीमाओं और सामाजिक व्यवस्था के तहत है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को इस तरह की तैनाती से वंचित रखना गैर तार्किक
और समानता के अधिकार के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला अधिकारियों ने बहादुरी से देश की सेवा की है, इसलिए दृष्टिकोण बदलना चाहिए ताकि सशस्त्र बलों में लैंगिक भेदभाव समाप्त किया जा सके। सेना की महिला अधिकारियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक और प्रगतिशील बताया है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे जजेस को, और 2018 में भारत सरकार का मन बनाया और प्रधानमंत्री जी ने ये बात लाल किले से कही, लेकिन थोड़ा सा रहा कि अथॉरिटीज़ ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंचूड़ और जस्टिस यादव के बेंच ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति को मजबूत करने की लगातार कोशिश में जुटी हुई है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना सिग्नल्स कॉर्प्स इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग समेत सभी 10 शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली के शाहीन बाग में चल रहे विरोध को खत्म करने और प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त किए हैं। मामले से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि लोकतंत्र लोगों की अभिव्यक्ति से ही चलता है, लेकिन इसकी भी एक सीमा है। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े, अधिवक्ता साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को प्रदर्शनकारियों से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को एक वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए कहा जाए जहां कोई सार्वजनिक स्थान अवरुद्ध ना हो। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 14 साल बाद घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी झारखंड विकास मोर्चा का बीजेपी में विलय भी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। मरांडी के साथ झाविमो के कई पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हुए। 2006 में बाबूलाल मरांडी ने भाजपा में मतभेद होने के बाद पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी बना ली थी। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि बीजेपी बाबूलाल मरांडी को हमेशा अपना मानती रही है, उनकी घर वापसी से संगठन में और मजबूती आएगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आकर बड़ा प्रसन्न और खुशी महसूस कर रहा हूं कि आज कई साल के बाद बाबूलाल मरांडी जी फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल निशान लेकर अपने घर के अंदर घर वापसी किए हैं। और इस मौके पर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 14 साल में झारखंड राज्य की जनता के साथ पूरी ईमानदारी के साथ संवाद किया है। उन्होंने कहा कि आज वो जो भी कुछ हैं वो बीजेपी की वजह से हैं। यानी हम कहते हैं कि पार्टी जो भी हमें काम देगा उस काम को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का भी काम देंगे तो उस काम को, क्योंकि आज अगर बाबूलाल मरांडी इस योग यहाँ खड़े हैं, आपके बीच में अगर खड़े हैं, तो उसमें मैं ये मानता हूं कि हमने परिश्रम किया, हमने मेहनत किया, लेकिन यहां तक पहुंचाने में अगर योगदान रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं का रहा है। और तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। आज उन्होंने सचिवालय जाकर पदभार ग्रहण किया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले की तरह शिक्षा और वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। सत्येंद्र जैन को जल बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। गोपाल राय को पर्यावरण मंत्रालय का पदभार दिया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी राजेंद्र पाल गौतम को दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उनकी यात्रा के एक हफ्ते पहले आज अमेरिकी एयरफोर्स का विशेष विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया है। इस प्लेन से अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग पहुंचे हैं। वहीं ट्रंप की यात्रा को लेकर पूरे अहमदाबाद में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। मुख्य कार्यक्रम अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में होगा।
कार्यक्रम का नाम नमस्ते ट्रंप रखा गया है। इसी दौरान वे दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करेंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को आगरा दौरे पर भी रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे आगरा शहर को खास तौर पर सजाया जा रहा है। खेरिया एयरपोर्ट से लेकर ताजमहल और ओबरॉय होटल तक जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। पूरे शहर में सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। आदरणीय राष्ट्रपति जी का जो कार्यक्रम है, अमेरिका के राष्ट्रपति जी का, वो 24 तारीख को आगरा आगमन की उनकी तिथि घोषित हुई है, उसको लेकर के हम लोग खेरिया एयरपोर्ट से लेकर के ताजमहल तक, होटल ओबरॉय तक पूरा रूट है उसको क्लियर करा रहे हैं और वो अवैध अतिक्रमण ना हो, पूरा सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। नगर निगम की टीमें, हमारी एडीए की टीमें, फॉरेस्ट की टीमें, सभी लोग लगी हुई हैं। साथ ही उनके स्वागत के लिए दोनों तरफ बच्चे भी रहेंगे, जिसमें अमेरिका और भारत का झंडा भी रहेगा उनके हाथ में। उनके उत्साह में कोई कमी ना रहा है और विभिन्न बड़े चौराहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चरल विभाग द्वारा संपादित किए जाएंगे, ताकि हर चीज हमारे भारत की जो संस्कृति है उसकी झलक भी पेश हो। चीन के वुहान से लौटे सभी 658 लोगों की अंतिम जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित न होने पर इनको छुट्टी दे दी गई। इन सभी लोगों को ITBP और भारतीय सेना की देखरेख में अलग अलग केंद्रों में रखा गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में वुहान से भारतीयों का दूसरा दल आएगा, जिनको ITBP के सेंटर में रखा जाएगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हिस्ट्री के अंदर ज़रा भी हमको लगता है कि ये किसी को, कोई भी हिस्ट्री में ऐसा बात लगती है कि भाई इसको थोड़ा हमें नज़र रखना चाहिए, तो हम उसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। जिस पे थोड़ा भी डाउट है उसका टेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसा मैंने बताया, 2500 से ज़्यादा सैंपल्स को टेस्ट किया गया है और उसमें सिर्फ 3 ही आज तक पॉजिटिव निकले हैं, तो ये अपने आप में सबके लिए संतोष की बात है। और प्रिकॉशंस इस स्तर तक ले रहे हैं कि 18,000 लोग जो भारत के अंदर विभिन्न स्थानों पर हैं, उनको भी सबको हम जो है ऑब्जर्वेशन में रखे हैं, उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम विशेष।